हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर। सो हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई अ हैमर मॉडल। ओके, प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने आपको मेडिसिन बॉटल बना के दिखाई थी यूजिंग बेवल। ओके, और सेगमेंट्स का कैसे ऐड करते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ एडवांस करने वाले हैं। आज थोड़ा सा शेप को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं आप, सेगमेंट कैसे ऐड कर सकते हो, बेवल कैसे अप्लाई कर सकते हो, बेसिकली एक्सट्रूड और इंसर्ट हम बेवल में ही यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आई एम गोना अप्लाई रेफरेंस इमेज ओ हेयर। ओके, सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लेट्स प्रेस F4, मॉडिफाई में आ जाओ, यहाँ पे इसके सेगमेंट्स को जीरो कर लो, डन। ऑब्जर्वेशन से ही बनाऊँगा ऑलमोस्ट। आप यहाँ पे आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो रेफरेंस को, डन। ओके, डन। सो आप गैस कर सकते हो कि ये जो शेप है ये किससे बन सकती है इजीली। ऑब्वियसली बात है, सिलेंडर से बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा, बट मैं यूज़ करने वाला हूँ बॉक्स। ओके, सो सबसे पहले मैं बॉक्स को लूँगा, मैं अपने अकॉर्डिंग एक इसकी लेंथ डिसाइड कर लेता हूँ, लेट्स से। ओके, डन। हल्का सा स्केल कर लो उसको ऐसे। ओके, सो इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं राइट क्लिक करके, डन। ओके, सो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करना है सो दैट हम ये वाली जो शेप है बना सकें इसको। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे टू प्रेस करके एड मोड एज मोड में आएंगे। टू इज द शॉर्ट कमांड ऑफ एज मोड। आपको मल्टीपल सेगमेंट सेलेक्ट करने हैं, यहाँ से आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे, सो यू कैन सेलेक्ट अ मल्टीपल सेगमेंट्स ओवर हियर, डन। ओके, अदरवाइज आप कंट्रोल के साथ अगर वाली इस वाले सेगमेंट पर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली रिंग सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अगर आप ऐसे कंट्रोल के साथ कर सकते हो मल्टीपल सिलेक्शन। ओके, तीन प्रोसेस हो गए, लास्ट आप इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पर रिंग सिलेक्शन पर क्लिक कर दो, आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आई यूज़ कनेक्ट ऑप्शन। कनेक्ट यहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो डायरेक्टली सेगमेंट ऐड हो जाएगा, बट यू वाना सी द सेटिंग्स ऑफ कनेक्ट, सो यू कैन क्लिक ऑन डायलॉग बॉक्स ओवर हियर। ओके, विल गेट अ प्रॉपर्टी, नाउ हाउ मेनी सेगमेंट यू वॉन्ट, इफ़ यू वाना एड मोर सेगमेंट यू कैन इंक्रीज योर सेगमेंट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, यहाँ से लेट से आई हैव फोर सेगमेंट ओवर हियर। ओके, आप इसका सेगमेंट्स के बीच का डिस्टेंस को कम करना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो, यू कैन ईजिली एड अ स्पेस बिटवीन टू ईच अदर। ओके, देन इफ यू वांट टू शिफ्ट योर सेगमेंट्स यू कैन ईजिली, राइट। ओके, सो आई वॉन्ट वन सेगमेंट ओवर हियर, आई वांट टू शिफ्ट दिस वन, मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, ओके, आफ्टर डन योर सेटिंग्स यू कैन क्लिक ऑन राइट। ओके, राइट क्लिक करोगे इस पर, इस पर क्लिक करोगे बेसिकली तो ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे प्लस करोगे तो एक और सेगमेंट ऐड कर सकते हो, यहाँ से कट करोगे तो जो भी आपने अप्लाई किया होगा सेगमेंट वो नहीं आएगा, ठीक है, डन। आई वांट सेगमेंट, अब मैं प्रेस करूँगा 4, आई सेलेक्ट फेस। आप देख सकते हो कि शेप किस तरीके से है यहाँ पे, सो आई एम गोना यूज अ बेवल ऑप्शन। आई कैन यूज एक्सट्रूड, बट बेवल का क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। आपको सेटिंग्स ओपन कर लो, यहाँ पे बेवल में हमें दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, इंसर्ट, और आपको इंडिविजुअल इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको फिर दोबारा से एक्सट्रूड करना नहीं पड़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर बेवल। ओके, सो मैं यहाँ से अभी इसको जीरो कर देता हूँ, एक्सट्रूड को, इंसर्ट को भी जीरो कर देता हूँ। ओके, मेरे को अंडू करो, आप कंट्रोल जेड से अंडू होता है, ठीक है। सो मैं इसको लेट से इतना इंसर्ट कर लेता हूँ फेस को, डन। ओके, एंड देन उसके बाद आई वाना ऐड, पहले एक बार ना इसको ख़त्म कर लेते हैं, मेरे को थोड़ा ना यहाँ से इसको जितना ज़्यादा एकदम प्रॉपर सर्कुलर फील नहीं करना, तो प्रॉपर रेक्टेंगल बनना चाहिए। ओके, डन। 4 प्रेस करके फेस मोड में आ जाओ, बेवल पे आ जाओ। अब मुझे वापस से एक्स को एक्सट्रूड करना है, यहाँ पे जीरो कर दो उसको, ठीक है, और इसको यहाँ से ऊपर एक्सट्रूड कर दो लाइक दिस। अगर आपको दोबारा ऐड करना है तो प्लस पर क्लिक करो, और ये जो दोबारा एक्सट्रूड वैल्यू डाली है इसको जीरो करो, देन इसको इंसर्ट करो बाहर के साइड, देन अगेन प्लस, इसको जीरो करो इंसर्ट को, दिस विल यूज़ फॉर एक्सट्रूड, दिस विल यूज़ फॉर इंसर्ट,
then we will talk about these options later. Okay, done. So now you can see we have a depth over here. Okay, जहाँ पे कुछ ज़्यादा gap है तो आप एक काम करो, इन दोनों को select करके थोड़ा सा और move कर सकते हो ऊपर की side ऐसे. ठीक है, done. ओके, अब मेरे को ये वाली शेप बनानी नीचे वाली, तो आप यहाँ पे आ जाओ. बिफोर दैट वी हैव टू ऐड अ सेगमेंट. आपको सेगमेंट ऐड करने की शॉर्ट कमेंट बताता हूँ. ऑल्ट वन करोगे यू कैन एबल टू ऐड एनी सेगमेंट. ओके, इसका बेसिकली क्या, इसका शॉर्ट कमेंट मैं बता देता हूँ आपको. यहाँ से आप आ सकते हो मॉडलिंग में है हम यहाँ पर. ठीक है, मॉडलिंग में आ जाओ. यहाँ पर यहीं पे आपको मिलेगा स्विफ्ट लूप. ओके, इसकी शॉर्ट कमांड है ऑल्ट वन. डन. लेकिन ना आई कांट एबल टू ऐड अ सेगमेंट इन द सेंटर. ओके, तो दैट्स व्हाई आई विल यूज कनेक्ट ऑप्शन. सो अगेन वी हैव टू यूज रिंग सिलेक्शन लाइक दिस. कनेक्ट कर दो आप इसको सेंटर में. करना है तो उसकी वैल्यू जीरो कर दो. यहाँ से सेंटर में आ गया. ओके, सो फोर प्रेस करके अगर मैं अब इसको बेवल में जाके एक्सट्रूड करता हूँ लाइक दिस. ओके, एक्सट्रूड तो हो गया बट ये सेपरेट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे सेपरेटनेस क्रिएट करनी है. यहाँ पे सेपरेटनेस नहीं आ रही है, सेपरेट है ही नहीं है. सेपरेट कैसे कर सकते हैं इंडिविजुअली पॉलीगन कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना है, बेवल पे आना है. बेवल पे आने के बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे इस वाली सेटिंग्स पाएंगे. यू नो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस सेटिंग्स कि मैं आपको बाद में बताऊँगा. आप यहाँ पर बाय पॉलीगन कर सकते हो. देन इट ओके. नाउ यू कैन सी वी हैव अ सेपरेट पॉलीगन राइट नाउ. ओके, अब वी हैव टू क्रिएट अ कर्व. ओके, लेट सी हाउ वी कैन क्रिएट अ कर्व. वर्टेक्स मोड में आते हैं, इसको हल्का सा और नीचे कर लेते हैं. सो एज मोड में आके इसको सब कुछ सेलेक्ट कर लो, यहाँ से कनेक्ट कर लो. लेट से आई वॉन्ट 5 to 6 सेगमेंट्स ओवर हियर. देन हिट ओके. वन प्रेस करो, इसको हल्का सा पीछे करेंगे ऐसे. ऐसे सबको सेलेक्ट करो पहले, तो आप हल्का सा ऊपर हो मूव टूल से, फिर इसको डीसेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर लो, फिर इसको सेलेक्ट कर लो आप. देन नाउ यू कैन सी अब इस पूरे को सेलेक्ट करके आप ऐसे मूव कर सकते हो. ओके, डन. अब हल्का सा इसको ऐसे मूव करो, थोड़ा सा एक कर्व क्रिएट करना है बेसिकली अपने को सही सा. ठीक है, देन इसको हल्का सा मूव करेंगे यहाँ पे. ओके, और शार्पनेस क्रिएट करनी है अपने को, तो इसको हल्का सा अंदर कर लो आप. ओके, डन. नाउ यू कैन सी वी हैव अ कर्व शेप ओवर हियर. ओके, सबसे पहले तो हमें एक गैप ऐड करना था, उसमें वो नहीं किया हमने, बट कोई नहीं, इसको अब कर लेते हैं हम. यहाँ से ऐसे कर लो इसको, वो चीज़ नहीं करी पहले, अब कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है. डन. इसको करके डिसलेट अब कर लेते हैं ऐसे. वो पहले ही आपको कर देना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम, अभी भी कर सकते हैं हम. नाउ यू कैन सी वी हैव अ स्पेस. ओके, यहाँ पे आके आप हल्का सा और कर्व ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. ओके, अब यहाँ पे कुछ पार्टीशन टाइप का दिख रहा है और ये डेप्थ अंदर जा रही है इसकी जो फेस का. तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑल्ट वन करो प्रेस, एक लूप ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे. फोर प्रेस करो फेस मोड में आके, आप इसको कर दो यहाँ से बेवल. अभी बाय पॉलीगन हो रखा है तो यहाँ पे कर दो लोकल नॉर्मल. ओके, लोकल नॉर्मल करके एक्सट्रूड करो उसको अंदर की साइड. नाउ कैन सी वी हैव अ शेप, नाइस शेप वी हैव. ओके, डन. अब मैं आपको एक और, नाउ कैन सी वी हैव अ हैमर मॉडल राइट नाउ. लेट्स स्मूथ इट. सो अभी हमने यूज़ किया कनेक्ट बेवल, जिसमें हमने एक्सट्रूड करके देखा, इंसर्ट करके देखा. अब आई एम गोना अप्लाई ओपन सब डिवीजन. वट इज़ द यूज ऑफ ओपन सब डिवीजन? वेन यू अप्लाई द ओपन सब डिवीजन यू कैन सी वी हैव अ स्मूथ शेप ओवर हियर. यू कैन इंक्रीज द इटरेशन वैल्यू सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ कर सकते हो. ओके, सो लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट, डन.
यू कैन सी हैमर तो बन गया, लेकिन जो उसकी इसका जो वॉल्यूम है मेल्ट हो गया, जैसे चॉकलेट मेल्ट हो जाते हैं ना, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेल्टेड ना हो, इसका वॉल्यूम को होल्ड कर सके. जैसे कि किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए या तो हमें कोई सपोर्ट लगाना पड़ता है, बल्ली लगानी पड़ती है, कुछ भी. ओके, अब लेंटर भी तो सरियों के भाप पे टिका रहता है ना. सो हमें सपोर्टिव एज देनी है. अब कहाँ कहाँ देनी है? यहाँ पे देनी है, यहाँ पे देनी है, जहाँ जहाँ पे आपको सेगमेंट, जहाँ जहाँ पे आपको अपना वॉल्यूम होल्ड कर रखना है. जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे ऐड करूँगा. सो आई एम गोना ऐड एडिट पॉली, एडिट पॉली ऐड कर सकते हो. अगर सपोज दैट कुछ मिस्टेक हो जाती है तो यू कैन डिलीट द एडिट पॉली. ओके, F4 प्रेस करो. आपको मैं एक और एडिट पॉली को सिलेक्ट कर लेना. मेक श्योर कि एडिट पॉली मस्ट बी सिलेक्टेड. अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिलहाल ये वाली जो शेप है इसको डिटैच करने वाला हूँ. तो यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे डिटैच की. ये पूछेगा आपके आपसे डिटैच टू एलिमेंट, कि मतलब शेप तो एक रहे ऑब्जेक्ट मोड में, लेकिन एलिमेंट मोड में ये डिटैच हो जाए. मैं कहता हूँ नहीं, डिटैच एज अ क्लोन वो भी नहीं चाहिए मेरे को. मैं इसको सिंपल यहाँ से डिटैच करना है इसको. ओके, ये डिटैच हो गया यहाँ से. अब मैं इसका सेगमेंट बीच वाला डिलीट मार दूंगा. अगर मैं डिलीट मारता हूँ, नाउ यू कैन सी फेस डिलीट हो गया. मैं चाहता हूँ फेस रहे, सेगमेंट्स डिजॉल्व हो जाए. कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कर सकते हो आप. ओके, डन. ओके, इस पे अलग से ओपन सब डिवीजन अप्लाई कर दो, क्योंकि सेपरेट हो चुकी है शेप अब. ओके, सो अब मेरे को इसमें क्या करना है, सपोर्टिव एज ऐड करना है. ओके गाइस, आप चाहते हो कि ये सारी ये वाली शेप दिखे, बाकी सब हाइड हो जाए, तो आप ऑल्ट क्यू प्रेस करोगे, आइसोलेट हो जाएगा. ओके, आप यहाँ पे एडिट पॉली में आ जाओ, टू प्रेस करो, ऑल्ट वन ले लो, यहाँ पे एक सपोर्टिव एज डाल दो, एक सपोर्टिव एज यहाँ डाल दो. ओके, एक सपोर्टिव एज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, एक सपोर्टिव एज आप यहाँ ऐड कर लो, एक सपोर्टिव एज ऐड यहाँ कर लो, और एक सपोर्टिव एज ऑल्ट वन एक यहाँ ऐड कर लो आप. ओके, आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाओ. इसकी शेप देख लो कैसी है, तो उसकी शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए इसको यहाँ पे दे दो, एक को एक यहाँ दे दो. अब इसको सेलेक्ट करो, आर के साथ स्केल कर लो लाइक दिस. ओके, और ये भी थोड़ा सा छोटा है, तो कंट्रोल के साथ इन सबको सेलेक्ट करके इसको भी छोटा कर दो लाइक दिस. ओके, नाउ यू कैन सी वी हैव अ नाइस शेप ओवर हियर. हल्का सा स्केल कर लो उसको, सर्कुलर बनाने के लिए शेप को. ठीक है, अब इसको हल्का सा शिफ्ट कर लेते हैं आगे की साइड, क्योंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस. F4 प्रेस करो, आप शिफ्ट करो आगे, या एक्सट्रूड भी कर सकते हो आप लाइक दिस. ओके, इसको डिलीट कर दो अंदर के फेस को, और एज मोड पे आओ, शिफ्ट के साथ इसको एक्सट्रूड कर दो अंदर की साइड लाइक दिस. नाउ यू कैन सी वी हैव अ नाइस शेप. अब यहाँ पे सपोर्टिव एज देनी है आपको, ऑल्ट वन, एक सपोर्टिव एज हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, एक सपोर्टिव एज हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं. ओके, डन, और एक सपोर्टिव एज हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं. डन, सिंपल है. अब आप एक काम कर सकते हो, आप को ना इसको हल्का सा नीचे करके ना इसको ऐसे रखना है, और इसको आपको कंट्रोल बैक स्पेस करके डिसॉल्व कर देना है. ठीक है, और आप चाहो तो इसको हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हो लाइक दिस, हल्का सा, और ऑल्ट वन, एक सपोर्टिव एज यहाँ पे ऐड कर दो आप. डन, अब आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे. नाउ यू कैन सी ये जो शेप है अब काफ़ी अच्छी हो चुकी है ना, आप देख सकते हो. डन, नाउ यू कैन सी वी हैव अ नाइस शेप ओवर हियर. आप इसको यहाँ पे ऑल्ट वन प्रेस करोगे,
सपोर्टिव एज यहाँ पे भी ऐड कर दो आप, डन। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आप फाइनल आउटपुट देख सकते हो दोनों में, ओके। इसका देखो आप, इसका देखो, ये मेल्टेड है पूरा, ये मेल्टेड नहीं है, ओके। सो आई होप आपको ये मॉडल समझ में आया होगा। मेरे को लगता है यहाँ पे कि काफ़ी अभी और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, मतलब आने वाली और क्लासेस में आपको बताऊँगा, क्योंकि क्या है कि ना अभी एक क्लास में आप इतना सारा नहीं कर पाओगे, ठीक है। आने वाली कुछ क्लासेस में बेसिकली टोपोलॉजी के बारे में और इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके ओके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके। वीडियो को पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।